कीटनाशक पीने के बाद उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई एक महिला ने मंगलवार सुबह दम तोड़ दिया है। सूचना पर मनावर निवासी मृतिका का पति और ससुर पीएम के लिए पहुंचे हैं। यहां मृतिका की बहन समा ने बताया कि वह कसरावद निवासी है। शनिवार सुबह करीब 10 बजे उसकी बहन रेशमा ने कीटनाशक पी लिया। जब वह मनावर अस्पताल पहुंची तो बहन बेहोश थी। उपचार के बाद होश आने पर बताया कि उसके देवर शाहरुख, देवरानी, चाची सास ने रुपये के लेन देन में पहले उसे पीटा और बाद में चूहा मार दवाई पिला दी। रेशमा को रविवार शाम जिला अस्पताल लाए गए थे। यहाँ इसकी हालत में सुधार था, लेकिन मंगलवार सुबह अचानक उसकी मौत हो गई। पति मोनू ने मृतिका के मायके पक्ष के आरोप को इनकार करते हुए कहा कि रेशमा ने खुद जहरीली दवाई पी कर जान दी है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या हुआ था? मेरी बहन का ससुर का मकान बन रहा है, तो उन्होंने 3 लाख रुपए मेरी बहन पास रखे हुए थे। तो मेरी बहन का देवर कहता है कि भाभी मेरे को 20,000 रुपये दे दे, और उसके चाचा साहब बोल रहे थे 30 हमारे लेने से, उन्होंने 50,000 की चाल चली थी। तो उसने बोला पापा से बात कर लो, मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो उसकी देरानी बोलती तेरे क्या बाप की पैसे क्या, हमारा बस मेरा भी ससुर है, मैं ताला तोड़ के ले लूँ। तो उसने बोला कि नहीं, तू बात कर ले, मेरे भरोसे पर रखा है, मैं नहीं दूँगी तेरे को। ऐसी बात बताई थी, नमक झुमक करी, तेरे बाप के पैसे मेरी बहन ने कुछ बोलचाल करी होगी। ये दो उसके चाचा सास के छोरे और एक उसकी चाचा सास और एक उसकी देरानी, वो इन्होंने उसको दोनों देवरों ने पकड़ी है और उसकी चाचा सास ने मुँह चौड़ा करा, उसकी देरानी ने दवाई घोल के उसको पिलाई है। आपको कैसा मालूम है? मेरी बहन ने मेरे को बोला जैसे जैसे बेहोश थी और इन्होंने वहाँ भर्ती करी मनावर अस्पताल में, तो उसको बेहोशी में बयान दिला दिया पुलिस वालों को कि मैंने मर्जी से पी, ऐसे बयान दिलाए हैं। और उसके बाद में जैसे वो होश में आती कि मैंने कहा बहन क्या हुआ, मेरे को तो शांति से बात पता, तो पूरी डिटेल उसने मेरे को बताई, ऐसी ऐसी बात है बहन की। यहाँ खरगोन में मतलब लाए थे, यहाँ बताओ? हाँ, मनावर में भी बताइए मेरे को और खरगोन में भी बताइए रात को कि बहन ऐसी ऐसी बात हुई, ऐसी ऐसी घटना हुई मेरे साथ में, तो इनको छोड़ना मत कहिए। क्या लगता है आपको? इन्होंने बस इंसाफ मेरी बहन की चाहिए बस। क्या मारा है इन्होंने? मारा है इसको। अब क्या मांग करते हैं? शादी से इनको मारने की, क्या पूरी सबको अंदर डालो, इनका हाथ हैगा सबको अंदर डालना। अब क्या मांग करते हैं आप? मांग कहीं नहीं, बस मांग यही मेरी बहन को इंसाफ मिले बस, और मेरे बच्चों को उनको हमारे सुपुर्द करो, और उसके बच्चे जितने 3 है नी उनको हमारे सुपुर्द करें। मैं बच्चों उनको मिलने गई थी, मेरी बहन ने बोला एक बार लिया, मैं देखना चाहती हूँ उनको वहाँ बना, और बच्चों को भी। तो वो बच्चों को उसके आदमी ने, उनके चाचा साहब ने ताला लगा दिया कि नहीं देना हमको उसके बच्चे के, उसके कहाँ से लाए गए बच्चे हमारे। कब शादी हुई थी, कितने बच्चे हैं? 13 साल, 3 बच्चे 4 बच्चे। तो मेरे को मालूम नहीं, पर 13 साल हो गए शादी को और 12 साल की बड़ी लड़की है। एक ही लड़की? नहीं, तीन लड़की है। तीन लड़की है कि एक 10 साल की है, एक 8 साल की है और एक 3 साल का छोरा है, 4 बच्चे हैं उसके। क्या नाम था लड़की? लड्डू, यास्मीन, नाजमीन, हुमेरा और फरान। आपका क्या नाम है? समा। आप कौन लगे लड़की? बेन। ये तो गल झूठ बात है, पैसों में सो का भी आरोप लगा रहे, पैसे मांग रहे थे, तो पैसे हम मांग रहे थे। हाँ, ऐसा कुछ उनके पास 2-3 लाख महीने के 50,000 रुपये कमाता हूँ, 40 से 50,000 रुपये कमाता हूँ महीने के। मैं पैसे को क्यों मांगूंगा इनसे? नहीं, आपके रिश्तेदारों पे आरोप लगा रहे कि उन्होंने पैसे मांगने के लिए नहीं दिए, उसके बाद विवाद हुआ और दवा हुआ पिला दी। कोई विवाद नहीं करा, मैं खुद घर का मकान बना रहा हूँ उसके ललक से, मेहनत के लिए मैं कोई विवाद करूँगा। तुम्हारे भाई रिश्तेदार जो पड़ोसी है, कोई चाची हो रही, कोई कुछ नहीं, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला आज तक। क्या नाम है तुम्हारा? दादी मरी थी, मेरी दादी की बात उसको सब दादी मानते थे, सबसे बड़ी उसको मानते थे हमारे घर के अंदर, तो सब जगह उसकी इज्जत भी करते थे। मैं करीब 22 तारीख को 10:15 बजे घर आया। ये आरोप भी लगा रहे, बता रहा हूँ। मैं 10:15 बजे घर आया, ये खाना बना रही थी, मैं आके पलंग पर बैठा, मैं गाड़ी थका रहा है, मैं जाके सो गया। 11 बजे की घटना है, मेरी छोटी लड़की है, उसका नाम अलीसा है, उसने इसको दवाई पी के दे दी चूहा मार दवा। वो दौड़ के हमको सबको बोलना ही, मम्मी ने पापा दवाई पी ली है, वो सबको हमको, मैं चाचाओं को सबको बोला, जैसे हमको बोल रहे। उसके बाद बर्तन मतलब दवाई पीने के बाद कपड़े धोने लग बैठी है वहाँ पर, कोई ना कोयला खा लिया, मुँह भी काला कर लिया। तो जैसे हमको मालूम पड़ा वैसे हमने उसको तत्काल कपड़े वपड़े मतलब नका पका पहनाया, गाड़ी में बिताया, वो सीधा अस्पताल ले गए। वहाँ भी डॉक्टरों कह रही कि मैंने कुछ नहीं खाया। डॉक्टर नली डाली, दवाई से बाहर निकाली, उसके बाद फिर इसको सही नॉर्मल हो गई। डॉक्टर साहब ने कहा इसको कुछ खिलाना पिलाना मत, कुछ खिलाया पिलाने में बढ़िया थी, कल तक फर्स्ट क्लास थी, कोई तकलीफ थी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोनू है। कहाँ रहते? मनावर।
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।